वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन मतलब एक ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी के या किसी भी इंस्ट्रूमेंट या हम कोई ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के मोशन को क्या करेगी? अपोज करेगी, मीन्स उसका विद्रोह करेगी, उसके अपोजिट काम करेगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करे, उसके विरुद्ध काम करे, हम उसको बोलते हैं क्या? फ्रिक्शन फोर्स। इज सेड टू बी फ्रिक्शन फोर्स। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। क्या समझ में आपको फ्रिक्शन फोर्स का मतलब? फ्रिक्शन का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। अब फ्रिक्शन कब बढ़ता है और कब घटता है आपके मन में ये होगा। मान लेते हैं ये कोई एक सरफेस है और इस सरफेस में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट इसमें चलेगा, इसका मोशन मतलब इसका चलना। मोशन का मतलब क्या होता है? गति, किसी चीज का चलना। अब ये ऑब्जेक्ट इसमें चलेगा तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस और इस ऑब्जेक्ट का जो लास्ट सरफेस है, ये जो टच में आ रहे दोनों, वो दोनों सरफेस, इस ऑब्जेक्ट का एक सरफेस और इस बॉडी का ये सरफेस, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, तो इन्हीं दोनों सरफेस के क्या क्रिएट होगा? इन्हीं दोनों सरफेस में फ्रिक्शन क्रिएट होगा। अब फ्रिक्शन जितना ज्यादा ये सरफेस कैसा होगा? प्लेन होगा। मीन्स हम ऐसा बोलते हैं कि जितना ज्यादा ये सरफेस स्मूथ होगा, स्मूथ मतलब जितना ज्यादा ये इजी वे पे चलने में आसानी जो हमको दिखती है, फिसलना, जितना ज्यादा स्लिपी सरफेस होगा, स्लिपी बोलने, स्लिपरी सरफेस जितना ज्यादा होगा, मीन्स स्मूथ सरफेस जितना ज्यादा होगा, उतना ही कम इस बॉडी, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? रुकेगा। और जितना ज्यादा जो सरफेस कैसा होगा? रफ होगा, खुरदुरा जिसे बोलते हैं, उतना ज्यादा जो ऑब्जेक्ट क्या होगा? रुक रुक के चलेगा। मतलब क्या हो गया कि अगर कोई स्मूथ सरफेस, हम गाड़ी की एग्जाम आपको सिंपल सा कहीं नहीं जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में जाते हैं, गाड़ी से मिलते हैं, अगर रोड बहुत ज्यादा क्या हो, साफ सुथरी होती है और बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी क्या होती है? स्लिप कर जाती है। वो स्लिप क्यों कर गई? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम था। फ्रिक्शन वहां पे क्या था? कम था, क्योंकि सरफेस कैसी थी? रोड कैसी थी? चिकनी सर रोड थी, मीन्स स्मूथ रोड थी। इस कारण से गाड़ी वहां पे क्या कर गई? स्लिप कर गई, वहीं पे नहीं रुकी। क्योंकि जो टायर है, टायर के नीचे वाले पार्ट का, जो टायर की लेयर है उस लेयर का और रोड की जो लेयर है उस लेयर में आपस में कांटेक्ट में फ्रिक्शन जनरेट नहीं हुआ। इस कारण से फ्रिक्शन कम होने के कारण गाड़ी स्लिप करती है। वहीं पे अगर हम बात करें रोड में क्या होगा, ऐसी हो आरसीसी रोड आप लोगों ने देखी, थोड़ा सा पार्टिकल रफ हो, रोड कैसी हो? रफ हो, तो गाड़ी क्या होती है? इजिली वे पे रुकती है, क्योंकि उस दोनों सरफेस के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन रफ ऑब्जेक्ट की सरफेस में ज्यादा होता है और स्मूथ ऑब्जेक्ट की सरफेस में कम होता है। या कोई नोट पर लिखना है, फ्रिक्शन हमेशा रफ ऑब्जेक्ट की सरफेस पे कम होगा और स्मूथ ऑब्जेक्ट की सरफेस पे ज्यादा होगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करेंगे? तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो यही होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्मूथ है या रफ है तो फ्रिक्शन को अफेक्ट करेगा। या हम बात करें कि दो सरफेस आपस में जब कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे, दो ऑब्जेक्ट की सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे, तो भी फ्रिक्शन वहां पर अफेक्ट होगा, फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं होगा, फ्रिक्शन वहां पर जनरेट ही नहीं होगा। मतलब किसी सरफेस का नेचर पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन? किसी सरफेस के नेचर पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है।
तो ये आपको हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है आपको हमेशा, किसी सरफेस का जो नेचर, किसी भी सरफेस का जो नेचर है, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस लेते हैं उसका नेचर, नेचर का मतलब हम लोग यहाँ बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्मूथ और रफ होना। अगर किसी सरफेस में स्मूथनेस या रफनेस है तो हम ये बोल सकते हैं कि द नेचर ऑफ द सरफेस अफेक्ट द फ्रिक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फ्रिक्शन टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर फ्रिक्शन की नीड क्यों है, आखिरकार फ्रिक्शन की नीड क्यों है और फ्रिक्शन को डेवलप करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, इसे हम रफ कर दें। फ्रिक्शन की नीड इसलिए है कि अगर हम बात करें कि कोई स्मूथ सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है तो वहां पे क्या होगा, हम पैदल भी नहीं चल पाएंगे। अगर हम लोग बात करें ग्लास की, तो ग्लास कैसा होगा, बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही क्या होगा, स्मूथ होगा। अब स्मूथ हो गया, स्मूथ होने के बाद हम ग्लास में वॉक नहीं कर सकते, ग्लास में वॉक नहीं कर सकते। या बेसिक से एक एग्जाम्पल हम लोग लें इसका, आपके घर में टाइल्स लगी होती है, टाइल्स में आप पानी गिरा दें, टाइल्स में आपने वाटर डाला, अब वहां पे टाइल्स में वाटर डालने से क्या हो गया, फ्रिक्शन खत्म हो गया। फ्रिक्शन खत्म होने से क्या होगा, आप बार बार जाओगे और स्लिप होगे और गिरोगे, स्लिप होगे और गिरोगे, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या, फ्रिक्शन की नीड क्यों होती है, फ्रिक्शन की नीड हमारे मूवमेंट को या मोशन को मेंटेन रखने के लिए होती है कि हम करेक्ट तरीके से मोशन कर सके या मोशन पॉसिबल हो, इस कारण से फ्रिक्शन की जरूरत होती है। आपको पता है कि आपके जो शूज होते हैं, जो सैंडल्स होती हैं, उनकी जो उनके जो नीचे वाला पार्ट होता है आउटर मोस्ट सरफेस, वो सरफेस कैसी होती है, वो हमेशा खुरदरी होती है, रफ होती है। क्यों ऐसा बनाया जाता है, उसमें थोड़ा सा लॉकिंग सिस्टम बनाए जाते हैं, वो इसलिए जनरेट किए जाते हैं ताकि आप स्लिप होकर ना गिरे और आपके जो सैंडल्स हैं, शूज हैं और जो रोड की अपर पार्ट है, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो पाए। आप लोगों ने टायर वगैरह देखे, गाड़ियों के टायर देखे हैं, ट्रैक्टर्स के टायर देखे हैं, उसमें आपने देखा होगा उसमें बहुत बड़ी बड़ी ग्रिपिंग होती है। वो ग्रिपिंग क्यों बनाई जाती है, वो ग्रिपिंग बनाई जाती है ताकि उन व्हीकल्स के जो टायर्स हैं और जो रोड है उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो सके। फ्रिक्शन कैसे होता है, मीन्स इंटरलॉकिंग होती है, दो सरफेस आपस में क्या होता है, फंस जाते हैं, तब फ्रिक्शन जनरेट होता है। इस कारण से उनके आउटर मोस्ट सरफेस को जो टायर होते हैं उनको इस प्रकार से बनाया जाता है। और आपको हम बात करते हैं कि ये तो हमने अभी चलने की मोशन की बात की, मशीन के बारे में कौन जानता है, मशीन्स में हम लोग ऑयल का यूज करते हैं, मशीन्स में ऑयल का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, आपके घर में प्लास वगैरह होगा, प्लास वगैरह कभी कभी जलने लगता है तो हम उसमें ऑयल डालते हैं, गाड़ियों में जब चाबी लगाते हैं चाबी फंसने लगती है तो हम उसमें ऑयल डालते हैं, तालों में ऑयल डालते हैं ताकि चाबी अच्छी तरीके से घूम पाए। ऐसा क्यों करते हैं, फ्रिक्शन बढ़ जाने के कारण, फ्रिक्शन वहां पे ना रहे, हम ये चाहते हैं कि वहां पे फ्रिक्शन ना रहे, मशीन्स में फ्रिक्शन जनरेट ना हो, फ्रिक्शन जनरेशन नहीं होना चाहिए। वी स्टॉप फ्रिक्शन जनरेशन, फ्रिक्शन जनरेशन को रोकने के लिए हम ऑयल का यूज करते हैं। अब ये ऑयल क्या करेगा, फ्रिक्शन को खत्म कर देगा, ये ऑयल यहां से सरफेस के फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। ऑयल का यूज हम लोग मशीन्स में कर रहे हैं ताकि मशीन्स में जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है इसको रोक सके और फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। मशीन वगैरह में जो ऑयल यूज किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स। आप लोग अपने घर में कीच देखे हैं,
लॉक्स देखे हैं, यहाँ तक कि जो दरवाजे होते हैं दरवाजों में नेल्स लगी हुई होती है, उन नेल्स में भी हम ऑयलिंग करते हैं, लुब्रिकेंट्स लगाते हैं ताकि वहां पे फ्रिक्शन जनरेशन ना हो पाए। चलिए इस सभी चीजों को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप लोग घरों की वॉल पे पेंट करते हैं, पेंट करने का क्या मतलब, घर की वॉल्स में पेंट करते हैं या किसी भी चीज में पेंट करते हैं, पेंट करने का क्या रीजन है, पेंट सुंदर बनाने के लिए हम लोग नहीं करते, पेंट करते हैं ताकि फ्रिक्शन को खत्म किया जा सके। फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए हम पेंट करते हैं ताकि जो डस्ट है, जो वाटर है दीवार में पड़ रहा है, वो फ्रिक्शन खत्म हो जाने से क्या होगा, स्लिप होके नीचे चला जाएगा। पेंट करने से वो वाटर जब पेंट के सरफेस पे जाता है तो स्लिप होकर नीचे गिर जाता है, दीवार पर नहीं रह पाता। इस कारण से हम फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए पेंट यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे चीजें भी होती हैं जहां पे फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए हम लोग और भी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं या और भी कई सारी चीजें हैं जिनका यूज करते हैं। तो हम अब बात करते हैं फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में। तो फ्रिक्शन दो प्रकार के होंगे, एक होता है स्लाइडिंग और दूसरा होता है रोलिंग। कौन कौन से दो फ्रिक्शन होंगे, स्लाइडिंग है रोलिंग। पहला होगा स्लाइडिंग और दूसरा होगा रोलिंग। स्लाइडिंग मतलब जहां पे हम स्लिप करके जाए, स्लाइड करें, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग। रोलिंग मतलब गोल घूमना, रोलिंग का मतलब गोल घूमना। जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे रोल करती है तो हम उसे बोलते हैं रोलिंग। When your a body rolls on any surface, तो हम उसे क्या बोलेंगे, जब कोई बॉडी किसी सरफेस में रोल करेगी तो हम उसे बोलेंगे क्या, रोलिंग। अब रोलिंग के कारण जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, the resistance to its motion, और इस motion के लिए जो resistance यूज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। The resistance for this motion is said to be rolling friction. उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। स्लाइडिंग की बात करें, जब भी कोई बॉडी क्या करे, किसी सरफेस पे स्लाइड ओवर करे, किसी सरफेस पे क्या करे, स्लाइड करे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, This is said to be sliding. और जो resistance है उसके इस motion को रोकने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं sliding friction. Means slide करने में जो friction लगता है उसे sliding friction, rolling करने में जो friction लगता है उसे rolling function, rolling friction. अब आपको एक और important topic मैं इसमें बताता हूं, ठीक है, क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको पता होना चाहिए। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, हमेशा इससे छोटा होगा, इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ऐसा क्यों हो रहा है कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से छोटा है, उसका एक रीजन है। हम बात करते हैं इस मार्कर की और इस डस्टर की, ठीक है। ये मार्कर कैसा है, राउंड शेप का है, राउंड शेप का मतलब रोल करेगा। जब ये रोल करेगा तो ये पूरा सरफेस नहीं रखा हुआ है इसके ऊपर, ये केवल इसका नीचे वाला पार्ट रखा हुआ, थोड़ा सा पार्ट इस सरफेस से टच में है, बाकी पूरा पार्ट क्या है, अलग है। जब भी ये रोल करता है तो केवल थोड़ा सा पार्ट ही सरफेस के टच में रहता है, थोड़ा पार्ट ही सरफेस से क्या रहेगा, टच में। लेकिन हम जब बात करेंगे इस डस्टर की, ये डस्टर क्या करेगा, रोल नहीं करेगा, स्लाइड करेगा। और इसका देखिए, इसका बड़ा सा पार्ट इस सरफेस के टच में, जब बड़ा सा पार्ट इस सरफेस के टच में है तो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा लगेगी। इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है,
स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, या हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। आप लोगों को ये पता है कि फ्लूइड फ्रिक्शन भी होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन कहां पे काम आता है? ये प्लेन्स वगैरह में काम आता है। क्या? फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन का कहां पे यूज होता है? प्लेन्स वगैरह में काम आता है ये फ्लूइड फ्रिक्शन। मतलब यहां पे फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए किसका यूज करते हैं? फ्लूइड का, लिक्विड का यूज करते हैं। गैस या लिक्विड के नाम पे दिया गया फ्लूइड फ्रिक्शन। अब फ्लूइड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फ्लूइड्स में लगती है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, या दैट इज द कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्लूइड्स के कारण जो फ्रिक्शन फोर्स लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रैग। ड्रैग बोलते हैं, DRAG, ड्रैग। ड्रैग का मतलब द फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड फ्रिक्शन, या द फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड इज सेड टू बी ड्रैग। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका जो टॉपिक था फ्रिक्शन चैप्टर का, फ्रिक्शन टॉपिक, ये चैप्टर यहां पे आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।